हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरा टेक मैथ में। तो आज हम आपके लिए एक नई एक्सरसाइज लेके आए हैं, एक्सरसाइज 4 की, जो विविध है, मिसेलेनियस। तो आज हम इसके जितने भी प्रश्न हैं उनको एक एक करके सॉल्व करेंगे, और जो हमने थ्योरी के कंसेप्ट पढ़े थे उनको भी साथ ही साथ रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं और वो हमारे चैनल पर नए हैं, और उन्होंने अगर हमारे अभी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, तथा इसे अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, के किस मान के लिए जो समीकरण युग्म है हमारे पास, यानी इक्वेशन पेयर है, x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा, यानी कि हमें इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए उसने कंडीशन दी है कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी इट हैज़ नो सॉल्यूशन। तो जब हमने रैखिक समीकरणों के नेचर के बारे में कल पढ़ा, तो वहाँ पर हमने 3 तरह की कंडीशन पढ़ी थी। एक पढ़ी थी कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तब जो हमारा सॉल्यूशन था वो कैसा सॉल्यूशन था, अद्वितीय हल, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसके लिए हमने कहा था कि इसका कोई भी हल नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी इट हैज नो सॉल्यूशन। कब, जब a1 अपॉन a2 यानी कि जो हमारी चर राशियां हैं x और y, उनके कोपिशियंट का जब हम रेशियो लें, अनुपात लें, तो a1 बट्टे a2 बराबर हो जाए b1 बट्टे b2 के, लेकिन c1 बट्टे c2 इसके बराबर नहीं हो, तब हम कहेंगे कि इसका कोई भी हल नहीं है। और तीसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी कि ये सारे जो अनुपात हैं वो बराबर हो जाएं, यानी a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, तब इसके अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनंत, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसके। तो ये 3 कंडीशन थी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में। तो यहाँ पर हमें देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पहले क्वेश्चन में कहा है कि कोई हल नहीं होगा, मतलब हम इनका अगर कंपेयर करें दो चरों वाले रैखिक समीकरणों से, तो रैखिक समीकरण क्या होते हैं दो चरों वाले, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये तो पहला होता है। ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यही होते ना। तो पहले जो हमें समीकरण दिए होंगे उनको हम इस तरीके से लिख लेंगे, यानी जो सी वन वाला पार्ट होता है उसको हम x और y की तरफ भी लेके आएंगे, लेकिन इसमें पहले से दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका हम क्या लें, अनुपात लें। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है, 1, और यहाँ पर कितना है, 2, तो 1/2 बराबर, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट कितना है, 1, और यहाँ पर कितना है, k, ठीक है। और ये नॉट इक्वल टू होता है -4 अपॉन -3, यानी माइनस से माइनस कट जाएगा। अब जो हमारी कंडीशन है कोई हल नहीं है, यानी इट हैज नो सॉल्यूशन, यही कंडीशन है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो k का 1 से गुणा हो जाएगा और 2 का 1 से, तो यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2।
तो यहाँ पर जो के का मान होगा वो दो होगा, यानी ऑप्शन नंबर खा हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के किस मान के लिए समीकरण युग्म जो हमें दिए हैं इक्वेशन पेयर, इनके अनंत हल होंगे। देखिए यहाँ पर आ गया इनका अनंत हल, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो हमें रेशियो इनका लेना है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यही है। तो यहाँ पर हमें इनका अनुपात लेना है, तो यहाँ से हम इनके अनुपात निकालें तो क्या हो जाएगा, 3/k इक्वल टू -2/5 इज इक्वल टू 0/0। ठीक है, तो ये तो पहले से जीरो है क्योंकि उसने पहले से कहा है कि इसके अनंत हल होंगे, इसके लिए हमें k का मान ज्ञात करना है, तो ये अनुपात इसमें फॉलो होगा। तो यहाँ से हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें और k की वैल्यू फाइंड करें, तो 3 का जो गुणा है वो 5 से हो जाएगा और माइनस के 2 है वो इसके बटे में आ जाएगी, यानी कि हम k की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 15/-2, यानी कि -15/2। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कहा इसका आंसर हो जाएगा -15/2। समझ में आ रहा है, पूरा रिवाइज हो रहा है, इसमें ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन है, यानी अद्वितीय हल। तो जो अद्वितीय हल की कंडीशन है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये इसके अंदर फॉलो कराएंगे हम। तो a1 का मान है k और a2 का मान है 6, यहाँ से y का जो कोफिशिएंट है वो -1 और यहाँ से y का जो कोफिशिएंट है वो 2 है। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन है जी, क्या होती है, नॉट इक्वल टू होती है, यही होती ना, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ से पहले तो माइनस से माइनस कट जाएगा हमारा, अब 6 का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ से जो k की वैल्यू मिलेगी हमें, k बराबर 6/2, यानी k बराबर 3, लेकिन नॉट इक्वल टू चल रहा है ध्यान रखना, तो नॉट इक्वल टू 3 होगा, k इज नॉट इक्वल टू 3। तो हमारा जो आंसर होगा k इज नॉट इक्वल टू 3 वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, कि असमिकाओं x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 और y ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 के संगत जो समीकरण हैं उनको व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x ग्रेटर 0 है तो यानी कि उसके संगत समीकरण क्या बनेगा, x बराबर 0, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, yH हो जाएगा। ऐसे ही y बराबर 0 अगर हम समीकरण बनाएंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, xH हो जाएगा, यानी कि जो दोनों अच्छे होंगे वो इसके अंदर आएंगे, तो xH और y अच्छों को ये इसका आंसर हो जाएगा गा। क्वेश्चन नंबर 5, असमिका हमें दी है y-3 ≤ 0, इसके संगत कौन सा कथन जो हमारा है वो ट्रू है, यानी हमें इनइक्वालिटी दी है कि y-3 ≤ 0। तो सबसे पहले हम इसको समीकरण में चेंज करेंगे, तो समीकरण में चेंज कर दिया तो -3 को हम उधर लेगा तो y = 3। ठीक है, तो यहाँ से हमें इसके जो पॉइंट मिलेंगे वो x = 0 और y = 3 मिलेगा, और इसको अगर हम ग्राफ पर दर्शाएं तो y = 3 कहाँ पर होगा, yH पर, ये तुम्हारा xH है और ये y, और ये पॉजिटिव है तो yH पर होगा, कितनी दूरी पर, 3 दूरी पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसका डायग्राम बना देंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा कि जो y = 3 हमारा पॉइंट आया है वो या तो yH के समांतर है, तो ये तो हमारा होगा नहीं क्योंकि yH के समांतर नहीं है, xH को विभाजित करता है क्योंकि xH को तो काट ही नहीं रहा है, मूल बिंदु कह रहा है कि मूल बिंदु यहाँ पर कह रहा है कि मूल बिंदु से गुजरता है तो मूल बिंदु से भी नहीं गुजरेगा, तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा क्योंकि ये xH के कैसे है, समांतर है, क्योंकि ये हमारा xH है और उसके समांतर क्या है, ये पूरी y = 3 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा xH के समांतर। क्वेश्चन नंबर 6,
इनके हलों की संख्या हमें ज्ञात करनी है कि इनके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दी है टू वेरिएबल्स वाली, इनको हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इनकी ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो और दूसरी है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो, इसमें इनको चेंज करेंगे और फिर इनसे कंपेयर करेंगे और इनके हम रेशियो निकालेंगे एक्स और वाई के कोफिशिएंट के अनुपात निकालेंगे। तो पहले जो हमारा पहला समीकरण है वो तो सही लिखा है और दूसरा वाला है इसको हम इस तरीके से चेंज कर लेंगे, यानी जो इक्वल में 16 है इसको हम 4y की तरफ ले आएंगे, तो ये हमारे दोनों समीकरण बन गए। अब इनके जो कोफिशिएंट है इनको लिख लेंगे, तो यहाँ से पहले समीकरण का x कोफिशिएंट है वो 1 है और y कोफिशिएंट 2 और जो अचर पद है वो c1 बराबर -k8। हमेशा ध्यान रखना चिन्ह सहित लेना हमें, ऐसे दूसरे समीकरण से a2 बराबर 2 b2 बराबर 4 और c2 बराबर -k16। अब इनके अनुपात निकालें a1 बटे a2 यानी कि 1/2, ऐसे b1 बटे b2 तो ये 2/4 हो जाएगा यानी काटने के बाद 1/2 और c1 बटे c2 को करें तो -8/-k16, तो यहाँ पर तो पहले माइनस से माइनस हट जाएगा और 8 से 16 कटेगा तो 1/2, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा a1 बटे a2 है वो इक्वल है b1 बटे b2 के और ये भी इक्वल है c1 बटे c2 के। तो जो हमारे हल होंगे इस रैखिक समीकरण युग्म के वो असीमित हल यानी कि अनंत हल होंगे, ठीक है। और जो समीकरण होंगे वो कैसे होंगे, संगत होंगे और जो रेखाएं होंगी इनकी, अगर हम डायग्राम बनाएंगे इनका तो इनकी जो रेखाएं होंगी वो एक ही लाइन पर होंगी, दोनों जो लाइन होंगी वो एक ही लाइन के ऊपर होंगी यानी समपाती होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यदि समीकरण जो इक्वेशन हमें दी है 2x+3y = 7 और दूसरा दिया है a+bx+2a-b(y) = 21, इसके अनंत हलों, कितने हलों, अनंत, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम इनको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दो चरों वाले रैखिक समीकरण की उसमें चेंज कर लेंगे, तो 2x+3y-7 = 0 हो जाएगा, ऐसे दूसरे वाले को चेंज करेंगे तो a+b(x+2a-b(y) - 21 = 0, ठीक है। अब यहाँ से हम इनको कंपेयर कर दें इनके कोपिशियंट को, तो पहले समीकरण से a1 = 2, b1 = 3, c1 - 7, ऐसे दूसरे समीकरण से a2 = a+b, b2 = 2a-b, c2 = -k21। अब चूँकि उसने पहले से ही कंडीशन दी है कि इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं यानी अनंत हल है, तो जो हमारे अनंत हल की कंडीशन है a1 बटे a2 ये बराबर है हमारे b1 बटे b2 के और ये बराबर है c1 बटे c2 के, तो ये वाली कंडीशन हम इसमें लगा देंगे और इनके मान रख देंगे। तो हमने ये कंडीशन लगा दी a1 बटे a2 = b1 बटे b2 = c1 बटे c2, ठीक है। अब हम इनके मान रख दें इसमें, तो a1 का मान है 2 और a2 का मान है a+b = b1 का मान है 3 और b2 का मान है 2a-b = c1 का मान था -k7 और c2 का मान था -k21। अब चूंकि ये पहले से तीनों बराबर हैं तो इनको हम एक एक करके इक्वल ले लें, तो पहले माइनस से इसका माइनस काटे और 7 से 21 यानी 1/3 बार कट जाएगा। अब पहले पद को और तीसरे पद को एक साथ ले लें क्योंकि तीनों इक्वल हैं, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हमने पहले और तीसरे को ले लिया। इसी तरीके से दूसरे और तीसरे को लेंगे, तो पहले और तीसरे से क्या मिलेगा हमें 2/a+b = 1/3। यहाँ से इनका हम वज्र गुणा कर दें यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या मिलेगा हमें a+b = 6 यानी a+b - k6 = 0। ऐसे ही दूसरे और तीसरे पद को लें तो 3/2a-b
बराबर 1/3, इनका भी वज्र गुणा करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2a-b बराबर 9, यानी 2a-b माइनस की 9 बराबर 0। अब ये हमें दो इक्वेशन मिल गई, अब हम इनको विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड, या ग्राफी विधि से, या वज्रोड़ा विधि से, या प्रतिस्थापन विधि से, किसी भी विधि से इनके जो मान है ए और बी के, उनको हम हल कर लेंगे। तो हमने सिंपल इनको जोड़ लिया, विलोपन विधि से कर रहे हैं तो सिंपल हमने इनको जोड़ लिया समीकरण 3 और 4 को, तो यहाँ से हमारा बी से बी कट जाएगा और 2a+a 3a हो जाएंगे, और दोनों संख्या माइनस की हैं, माइनस के 9 माइनस के 6, तो ये माइनस के 15 हो जाएंगे बराबर 0, यानी कि 3a बराबर 15, और a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5। अब इसे a की वैल्यू को या तो समीकरण 3 में रख दें या 4 में, किसी एक में रखने पर हमें b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हमने इसको 3 में रख दिया, तो 3 क्या था हमारा समीकरण, a+b-6 = 0, यानी कि a की जगह 5 रखेंगे तो 5+b-6 = 0, यानी कि b-1 = 0, तो b की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। यानी यहाँ से हमें जो a और b के मान मिलेंगे वो a = 5 और b = 1 प्राप्त होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें इनइक्वालिटी दी है असमिका, मोड ऑफ एक्स इज लेस देन 3, और इसके हमें जो सॉल्यूशन है उसको छायांकित करना है ग्राफ पेपर पे। तो ये सवाल हम कर चुके हैं, क्योंकि इसके लिए मैंने बताया था कि इसकी दो कंडीशन बनती हैं कि जब भी हमें मापांक में कोई भी संख्या दी है मोड में और वो लेस देन 3 है, तो हम इसके लिए दो चिन्ह बनाते हैं इस तरीके से, एक एक्स ग्रेटर और एक एक्स लेस देन। तो एक्स लेस देन होता है प्लस वाली संख्या से और ग्रेटर होता है माइनस वाली संख्या से। तो यहाँ से इसके दो असमिकाएँ बन जाएंगी, एक तो -3 > x और दूसरी x > 3। अब इन दोनों असमिकाओं को हम सॉल्व करेंगे, पहले इनको समीकरण में चेंज करेंगे, फिर इनमें x = 0 y = 0 रख के पॉइंट निकालेंगे, उन पॉइंटों को ग्राफ पर दर्शाएंगे, उसके बाद असमिका में हम मूल बिंदु के मान रखेंगे और असमिका को संतुष्ट कराएंगे। अगर हमारी असमिका संतुष्ट हो जाती है तो इसका ग्राफ मूल बिंदु की तरफ होगा, और संतुष्ट अगर नहीं होती है तो मूल बिंदु से विपरीत दिशा में होगा, यानी ओरिजिन से विपरीत डायरेक्शन में होगा इसका। तो इस तरीके से इसका ग्राफ प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं तो आप आराम से देख सकते हैं। ये तो प्लस वाले के लिए है जब x > 3 है, तो यहाँ से अगर हम इनको समीकरण में चेंज करें तो ये x = 3 हो जाएगा, और x = 3 के लिए ग्राफ हमारा इस तरीके से प्राप्त होगा x अक्ष पर, क्योंकि y की दूरी क्या है यहाँ पर 0 है, तो ये लाइन हमें प्राप्त होगी। ऐसे ही x > -3 के लिए यहाँ से x = -3 हो जाएगा, तो इसके लिए जो मान प्राप्त होगा वो x अक्ष पर -3 y पर 0, तो x अक्ष पर -3 y पर 0 ये लाइन इसके लिए हो जाएगी, और इसको हम मिला देंगे। अब इनके जो असमिकाएँ हैं इनमें हम x = 0 y = 0 रखें, तो पहली क्या थी x < 3, तो इसमें अगर हम x = 0 रखेंगे तो 0 > 3, तो ये बात हमारी ट्रू थी, सत्य थी, इसलिए इसका ग्राफ किधर होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा, तो ये ग्राफ हो गया इधर। दूसरा x > -3 यही था, तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू रखें 0, यानी मूल बिंदु के मान, तो 0 > -3 यानी 0 -3 से बड़ा होता है, तो ये भी सत्य बात है, इसलिए इसका भी ग्राफ किधर होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा। तो इस पूरे पार्ट को हम छायांकित कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारा इसका हल क्षेत्र हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसके बारे में बताना था। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सवाल हम पढ़ चुके हैं, तो एक बार दोबारा से हमने कर लिया है तो रिवाइज हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9, 2x + 3y > 3, इसका
हल क्षेत्र छायांकित कीजिए। तो पहला जो हमारा काम है कि जो असमिका है उसको हम समीकरण में चेंज करते हैं, तो हमने इसको समीकरण में चेंज कर दिया। इसके बाद हम इसमें एक्स बराबर जीरो और वाई बराबर जीरो रख के पॉइंट निकालेंगे। तो एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा और तीन वाई बराबर तीन यानी वाई बराबर कितना प्राप्त होगा, एक। और जब वाई बराबर जीरो रखेंगे तो ये वाला जीरो हो जाएगा और एक्स का मान कितना मिलेगा, तीन बटे दो। तो ये पॉइंट हो जाएंगे हमारे जीरो कॉमा वन और तीन बट्टे दो कॉमा जीरो। इनको हम ग्राफ पेपर पर दर्शाएं तो इनका ग्राफ पेपर देखिए इस तरीके से बनेगा, जीरो कॉमा वन यानी बाई एच पे वन दूरी है तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, थ्री बाई टू कॉमा जीरो यानी कि दो से कम और एक से ज़्यादा यानी डेढ़ पर, तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा क्योंकि बाई एच इसका जीरो है। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम इसके बाद इसके हल क्षेत्र के बारे में बताते हैं और असमिका को संतुष्ट करते हैं। तो असमिका को संतुष्ट करें तो उसमें हम x बराबर जीरो y बराबर जीरो रखेंगे। तो इसमें x बराबर जीरो y बराबर जीरो रखें तो जीरो प्लस जीरो हो जाएगा क्योंकि दो से गुणा करें तो भी जीरो, और ये ग्रेटर एंड इक्वल टू होगा तीन के, यानी जीरो बड़ा होता है तीन से। क्या ये बात सत्य है, जल्दी से बताइए क्या ये बात ट्रू है कि जीरो ग्रेटर होता है तीन से? तो ये असत्य है यानी फॉल्स है क्योंकि जीरो कभी भी तीन से बड़ा नहीं होता है, इसलिए इसका जो हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु से विपरीत दिशा में होगा। तो देखिए इसका जो हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु हमारा इधर रहा तो इससे ये विपरीत दिशा में है कि नहीं, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ग्राफ पेपर पे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न रेखीय समीकरणों के युग्म को आलेख की विधि से हल कीजिए और इसकी सहायता से ए का मान भी ज्ञात करना है। और ये आपके पेपर में भी पूछा गया था, मॉडल पेपर में 2017-18 वाले में। 4x प्लस 3y बराबर ए, x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12। यानी कि हमें जो समीकरण दिए हैं वो मेन समीकरण हमारे ये वाले हैं, x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12 है। यहाँ से जब हमें x और y की वैल्यू प्राप्त होंगी उनको हम इस समीकरण में रखेंगे तो यहाँ से हमें a की वैल्यू फाइंड होगी, ठीक है। तो हमें इन दोनों रेखिक समीकरणों को लेके चलना है तो हम इनको लिख लेंगे पहले, और इनको जो दो चरों वाले रेखिक समीकरण हैं इसका जो मानक रूप है उसमें चेंज कर लेंगे इनको, ठीक है। तो हमने लिख लिया x प्लस 3y बराबर 6 और इनके लिए हम पहले टेबल बनाएंगे, x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3y। अब इसमें हम y का मान रखते जाएंगे तो हमें x की वैल्यू मिलती जाएंगी। तो हमने इस समीकरण में y बराबर रख दिया 1, तो हमें प्राप्त होगा x बराबर 6 माइनस 3 इंटू 1 यानी कि 6 माइनस 3 बराबर 3। y बराबर 1 रखा तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 3। ऐसे y बराबर 2 रखें तो ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3 इंटू 2 बराबर 6 माइनस 6 बराबर 0 यानी y बराबर 2 रखा तब x बराबर 0 प्राप्त हुआ। तो इसके दो पॉइंट हो गए हमारे कौन कौन से, 3.1 और 0.2। इसको अब ग्राफ पेपर दर्शा देंगे और ग्राफ पेपर पर दर्शा के इनके हम दोनों पॉइंटों को मिला देंगे एक लाइन के द्वारा, ठीक है। ऐसे ही हमें समीकरण दूसरे के लिए करना है जो हमें दिया गया है 2x माइनस 3y बराबर 12। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लें तो 3y इक्वल टू 2x माइनस 12 यानी y इक्वल टू 2x माइनस 12 अपॉन 3। अब इसमें हम x की वैल्यू रखें तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। और हमेशा ध्यान रखना जब भी हम ये टेबल फाइंड करते हैं तो इसमें हमें x और y की ऐसे मान रखने चाहिए जिससे हमें पूर्णांक संख्याएं प्राप्त हों,
यानी बटे वाली संख्याओं से हमें बचना चाहिए। तो यहाँ से हमें वैल्यू प्राप्त होगी 2 × 3 − 12/3 यानी 6 − 12/3 यानी कि इक्वल टू −6/3। तो यहाँ से बाइक की जो वैल्यू है वो −2 मिलेगी। और जब x बराबर 0 रखें तो 2 × 0 − 12/3 यानी कि −12/3 − 4। तो इसके भी पॉइंट हो जाएंगे हमारे पास, कौन कौन से, एक हो जाएगा हमारा 3, −2 और दूसरा हो जाएगा 0, −4। इनको भी ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे और इन दोनों जो पॉइंट हैं इनको हम एक लाइन के द्वारा मिला देंगे। देखिए इसका ग्राफ पेपर इस तरीके का बनेगा। पहला जो समीकरण था उसके लिए हम बनाए 0, 2 और 3, 1 के लिए। तो एक्स अक्ष इसका 0 है, वाई पे 2 है, तो इसका जो पॉइंट होगा वो वाई अक्ष पे होगा। ऐसे ही 6, 0 यानी कि एक्स अक्ष पर 6 है, वाई पे 0 है, तो यहाँ पर होगा। 3, 1 एक्स अक्ष पर 3 और वाई पर 1, तो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ऐसे ही और पॉइंट की बात करें 0, −4 तो एक्स पे 0 वाई पे −4 यहाँ पर होगा। 3, −2 तो एक्स पे 3 वाई पे −2 तो यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से हमें ये पॉइंट प्राप्त होंगे और इनको जब हम मिला देंगे एक लाइन की सहायता से तो जो पॉइंट हैं वो हमारे इस पी बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगी। ये दोनों लाइनें जो हैं वो हमारे पी बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी। इसलिए जब दो लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो समीकरण के जो हल हैं वो यूनिक हल होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। यानी कि यहाँ से हमें x और y की वैल्यू मिलेगी, x बराबर 6 हो जाएगा और y बराबर 0, ये हमें वैल्यू प्राप्त होगी। अब इस x और y के मान को जो हमें समीकरण दिया था शुरुआत में 4x + 3y = a इसमें रख देंगे, तो x की जगह हम 6 रख देंगे, y की जगह 0, तो 4 × 6 + 3 × 0 = a। तो यहाँ से 3 × 0 तो 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। ध्यान रखना इस तरीके से कंडीशन पूछी जाती है, टोटल 6 नंबर का प्रश्न आता है इससे। लास्ट क्वेश्चन है कि रेखिक समीकरण को आलेख विधि से हल करना है और इनके जो निर्देशांक हैं उनको ज्ञात करना है, जो इनके द्वारा निर्देशित रेखाएं बाई अक्ष को काटती हैं, यानी जो बाई अक्ष को काटेंगे उसके निर्देशांक हमें लिखने हैं, इसके कोऑर्डिनेट, और हमें इक्वेशन दिए ये दो। तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे और इनके लिए इनके पॉइंट की टेबल फाइंड करेंगे। तो पहला समीकरण हमने ले लिया 3x + 2y = 12, यानी कि 2y = 12 − 3x, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 12 − 3x/2। अब इसमें x के मान रखेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी, तो हमने इसमें रख दिया x = 2, तो इसमें रखो 12 − 3 × 2/2 = 12 − 6/2 यानी कि 6/2 = 3। और जब x बराबर 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 12 − 3 × 4 यानी 12 − 12/2, तो टोटल हमें मान प्राप्त होगा 0। तो ये इसकी टेबल हो जाएगी। ध्यान रखना पॉइंट हमें मिनिमम 2 तो निकालने हैं, और अगर आप 3 निकाल सको तो 3 भी निकाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम पॉइंट हमें 2 निकालने हैं। अब इनको हम ग्राफ पेपर पर दर्शा देंगे। ये पॉइंट हो जाएंगे हमारे 2, 3 और 4, 0। सेम टू सेम हमें दूसरे समीकरण के लिए निकालने हैं। दूसरा समीकरण हमारा क्या है, 4x − 2y = 4, तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालें, 5x − 4 यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 5x − 4/2। इसमें हम x बराबर 0 रखें तो 5 × 0 − 4/2 यानी कि −4/2 = −2। और जब x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 5 × 2 − 4/2 यानी 6/2 = 3। तो ये हमें इसकी वैल्यू प्राप्त होंगी। यहाँ से इसके जो बिंदु हो जाएंगे निर्देशांक वो 0, −2 और 2, 3 हो जाएंगे। इनको भी हम ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे। तो अब इनका ग्राफ देखें,
तो हमें इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होगा। पहले समीकरण के लिए जो 3x प्लस 2y बराबर 12 है, इसके पॉइंट क्या थे, 0, 6, तो x अक्ष पे 0 है, y पर 6 है, तो ये y अक्ष पर होगा। ऐसे ही 4, 0, तो x अक्ष पे 4 है, y पे 0 है, तो ये x अक्ष पर होगा। अब इन दोनों पॉइंटों को एक लाइन की सहायता से मिला देंगे, ठीक है। ऐसे ही 0, -2, तो x पे 0 है, y पे -2 है, तो यहाँ पर होगा। और 2, 3, यानी x पे 2 और y पर 3, तो यहाँ पर होगा। अब इनको भी मिला देंगे, ठीक है। जब इनको मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि ये दोनों जो लाइनें हैं वो इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी काट रही हैं। तो इसके जो हल होंगे वो यूनिक हल होंगे, पहली बात तो, यानी अद्वितीय हल होंगे। और वो मान क्या होंगे, 2, 3, यानी x बराबर 2 और y बराबर 3, ठीक है। और ये तो इसके हल हो गए सॉल्यूशन। और इसमें एक कंडीशन और पूछी गई थी कि उन बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए जो y अक्ष पर काट रहे हैं। तो y अक्ष पर हमारे एक यहाँ पर कट रहा है, एक यहाँ पर कट रहा है, तो इनके निर्देशांक और लिखने हमें, ध्यान रखना जो प्रश्न में पूछा जाए वो सारी चीज़ें हमें बतानी है, क्योंकि ये निर्देशांक लिखना एक नंबर का पूछा जाता है। तो एक तो हो जाएगा 0, 6 और दूसरा हो जाएगा 0, -2। तो इस तरीके से हमें ये y अक्ष वाले निर्देशांक भी लिखने हैं। तो अब समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर हमने बताए भी हैं कि ये भी हमें लिखने थे, जो x अक्ष को, सॉरी y अक्ष को, यहाँ पर y अक्ष है, y अक्ष को बिंदु 0, 6 और 0, -2 पर काटती हैं। तो इस तरीके से हमें इन ग्राफ पेपर पर जो दो चरों वाले रेखिक समीकरण हैं इनको दर्शाना होता है और इनके मान को फाइंड करना होता है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये सारे प्रश्न एक अच्छे तरीके से क्लियरली समझ में आ गए होंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो भी हम पढ़ाते हैं उसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल RRTechMath Academy ऑफिशियल पर डेली अपलोड की जाती है, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी PDF जो है वो डेली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।